समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत करने के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन अब कुछ साल बाद भी उन्होंने पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी में। जी हाँ, अपर्णा वापसी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी में, जिस पर डिम्पल यादव ने भी हाल ही में चुनाव से पहले बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि यूपी की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव यानी अखिलेश यादव की पत्नी ने जीत दर्ज की है। चुनावी क्षेत्र में वो उतरी थी और लगातार चुनाव में सक्रिय भी नजर आई हैं। आपको बता दें, डिंपल यादव ने मैनपुरी पहुंचकर कहा था और अपर्णा यादव को लेकर सवाल पूछा गया था जब उनसे कि अगर वो सपा में वापस आती हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगी। इसके जवाब में डिंपल यादव ने कहा था, अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेती है तो हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन वहीं आपको बता दें कि डिंपल यादव के इस बयान के बाद कहा जा रहा था कि अगर अपर्णा सपा में वापसी करती हैं या वापसी करने की कोशिश करती हैं तो शायद पार्टी नेतृत्व को कोई परेशानी इसमें ना हो। हालांकि अपर्णा यादव के मन में इसे लेकर क्या चल रहा है, इसकी तस्वीर तो अभी तक भी चुनाव खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं साफ नहीं हुई है। आपको बता दें कि स्थिति आखिर क्या रही थी। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत के बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी से उन्हें बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के कयास लग रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद भी पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। अब भी बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने के कयास फिर से तेज हो चुके थे। बीजेपी ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन उस पहली लिस्ट में भी अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं था। हालांकि अब अपर्णा यादव एक बार फिर बीजेपी छोड़कर सपा में वापसी करेंगी या नहीं करेंगी, इस पर कयास लगातार तेज है। उपचुनाव आने वाले हैं और यूपी के उपचुनाव में अपर्णा यादव बड़ी भूमिका अगर चाहें तो भा सकती हैं समाजवादी पार्टी की ओर से करहल सीट पर। करहल की सीट हाल ही में अखिलेश यादव खाली कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने देखा जाए तो रास्ते कहीं ना कहीं अब खोल दिए हैं।